Hi everyone, welcome to Infinity Lectures. Today we will be discussing about the number system, and this is the first part of number system, so I'm going to introduce you with the numbers. So let's start. So this is the flowchart of number system, और मैंने इस flowchart को बहुत simplify किया है ताकि हर एक type का क्लासिफाई हो सके, कैटेगराइज्ड हो सके. सो अब हम एक एक टाइप को समझेंगे, ठीक है, डीपली, और ताकि आप किसी भी नंबर को, अगर आपके पास कोई भी नंबर आता है तो आप उस नंबर को ईजिली पहचान सकें. आपके पास अगर कोई भी नंबर आता है तो आप ईजिली कह सको, कॉन्फिडेंटली कह सको कि वो जो नंबर है उस नंबर में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है, दैट मीन्स वो नंबर कौन सा नंबर है. तो चलिए इस फ्लोचार्ट को पहले एक बार रीड करते हैं, उसके बाद हम वन बाय वन एक एक टाइप को समझेंगे, ठीक है. तो नंबर सिस्टम जो है वो दो टाइप में कैटेगराइज्ड है, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर. इमेजिनरी नंबर जो है वो हम इमेजिन करते हैं, ठीक है, इमेजिनरी नंबर हम इमेजिन करते हैं. इसमें इमेजिनरी को आई से डिनोट करते हैं और आई की वैल्यू होती है अंडर रूट माइनस वन, ठीक है. ये नंबर इमेजिनेशन पार्ट होता है, ठीक है. अब आते हैं रियल नंबर. रियल नंबर के दो टाइप्स हैं, ठीक है, एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर. तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, बट इससे पहले ये देखते हैं कि रैशनल नंबर में कौन से नंबर्स आते हैं. इंटीजर आता है और फ्रैक्शन आता है, ठीक है. रैशनल नंबर में दो टाइप के नंबर होते हैं, इंटीजर नंबर और फ्रैक्शन नंबर. इंटीजर्स में भी तीन टाइप के कैटेगराइज्ड है, यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव एंड ज़ीरो. पॉजिटिव इंटीजर में नेचुरल नंबर्स आता है, और नेचुरल नंबर प्राइम हो सकता है, कंपोजिट हो सकता है, इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है, और इसके अलावा भी और कुछ नंबर्स हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं, और कुछ टाइप से, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊँगी. एंड ज़ीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर आर कॉल्ड होल नंबर, ठीक है. सबसे पहले हम नेचुरल नंबर की बात करेंगे. नेचुरल नंबर में क्या होता है, व्हाट इज़ नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर इज़ अ काउंटिंग नंबर. वो नंबर जिसे हम काउंट कर सकते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये काउंटिंग नंबर्स है, तो ये नेचुरल नंबर हो गया. सेकेंड आता है होल नंबर. होल नंबर में क्या है कि नेचुरल नंबर्स आर द होल नंबर, ठीक है. होल नंबर भी काउंटिंग नंबर होता है, बट काउंटिंग नंबर के साथ साथ इसमें ज़ीरो भी ऐड होता है, यानी कि ज़ीरो को भी इंक्लूड करते हैं. ज़ीरो प्लस नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू होल नंबर, ठीक है. यानी कि होल नंबर जो है वो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ज़ीरो से स्टार्ट होने वाला नंबर होल नंबर कहलाएगा, एंड वन से स्टार्ट होने वाला नंबर नेचुरल नंबर कहलाएगा. नेक्स्ट है इंटीजर्स. जैसे कि हमने दिखाया यहाँ पे, इंटीजर्स जो है वो तीन टाइप में कैटेगराइज है, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड ज़ीरो, ठीक है. तो इंटीजर्स में जो नेगेटिव नंबर होता है, नेगेटिव इंटीजर्स, वो होता है -1, -2, -3 एंड सो ऑन. एंड पॉजिटिव इंटीजर क्या है, +1, +2, +3 एंड सो ऑन, एंड द नेक्स्ट वन इज़ ज़ीरो, ठीक है. तो ये तीन चीज़ें होती हैं इंटीजर्स में. अब इवन नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, ऑड क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, ठीक है. तो सबसे पहले अगर इवन नंबर की हम बात करें तो इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसको दो से डिवाइड करने पे रिमाइंडर ज़ीरो आए, यानी कि टू से डिविजिबल होना चाहिए वो नंबर. तो इवन नंबर है 2, 4, 6, 8, दीज आर कॉल्ड इवन नंबर, क्योंकि ये टू से डिविजिबल है. ऑड नंबर क्या होता है, वो नंबर जो टू से डिविजिबल ना हो वो नंबर ऑड नंबर कहलाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, दीज आर द नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय टू, सो दीज आर कॉल्ड ऑड नंबर. ओके, नेक्स्ट वन इज़ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर इज़ वॉट. प्राइम नंबर्स में क्या होता है कि वो नंबर जिसका फैक्टर दो फैक्टर्स होने चाहिए. प्राइम नंबर में टू फैक्टर्स होने चाहिए. कौन कौन से फैक्टर्स, पहला कि वन हो, ठीक है, और दूसरा इट्सेल्फ, ठीक है.
वो नंबर जिसका दो फैक्टर है, पहला है वन एंड दूसरा है इट्सेल्फ, यानी कि वो नंबर खुद का फैक्टर हो. फॉर एग्जाम्पल टू, टू इज़ अ प्राइम नंबर. वाई? बिकॉज इसका फैक्टर जो है वो है वन कॉमा टू. एक तो वन है फैक्टर, दूसरा फैक्टर क्या है, ये नंबर खुद का फैक्टर है. ठीक है, नेक्स्ट है थ्री. थ्री इज़ अ प्राइम नंबर बिकॉज वन इज़ अ फैक्टर ऑफ थ्री एंड थ्री इज़ अ फैक्टर ऑफ थ्री, यानी इट्सेल्फ. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, सेवन कॉमा फाइव कॉमा इलेवन कॉमा ट्वेंटी थ्री एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. ओके, वन थिंग इज़ लेफ्ट इन द प्राइम नंबर. प्राइम नंबर में एक को इंक्लूड नहीं करते हैं. ठीक है, ग्रेटर देन वन होना चाहिए प्राइम नंबर में. ठीक है, नेक्स्ट जो है कंपोजिट नंबर में, कंपोजिट में भी ग्रेटर देन वन हो. ठीक है, और इसमें क्या होता है कि प्राइम नंबर ना हो. ठीक है, वो नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर होगा, यानी कि किसी नंबर का दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो. ठीक है, जैसे फोर का अगर फैक्टर हम देखें तो वन आएगा सबसे पहले, फिर टू, फिर फोर. तो वो नंबर जिसका फैक्टर दो से ज़्यादा हो वो नंबर कंपोजिट कहलाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है परफेक्ट नंबर. ये नंबर हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है. परफेक्ट नंबर क्या होता है कि एक नंबर जिसका फैक्टर्स का सम करने पे, ठीक है, वही नंबर आ जाए, सेम नंबर आ जाए. ठीक है, बट जो वो फैक्टर जो इट्सेल्फ हो, ठीक है, वो उस फैक्टर को हम एडिशन नहीं करेंगे, यानी कि सम ऑफ फैक्टर्स एक्सेप्ट इट्सेल्फ इज इक्वल्स टू द नंबर. दैट मीन्स सिक्स, अगर सिक्स का फैक्टर करें तो वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा एंड सिक्स आएगा. तो यहाँ क्या करेंगे, सिक्स को छोड़ देंगे, बाकी इन तीनों नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो हमें वापस सिक्स मिलेगा. ठीक है, वन प्लस टू प्लस थ्री इज इक्वल्स टू सिक्स. अगेन अगर 28 की बात करें तो यहाँ पे 28 का जो फैक्टर है वन टू सेवन कॉमा 28. ठीक है, अब इस 28 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, जब हम सम करेंगे तो वन प्लस टू प्लस फोर प्लस सेवन करेंगे तो 28 आएगा, तो हमें वही नंबर वापस मिला. तो ऐसे नंबर्स क्या हो जाता है, परफेक्ट नंबर. नेक्स्ट इज कोप्राइम. कोप्राइम क्या होता है, दो ऐसे नंबर जिसका एचसीएफ वन हो. ठीक है, दो ऐसे नंबर्स जिसका एचसीएफ क्या हो, वन हो. टू कॉमा थ्री का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ वन आएगा. अगेन फोर कॉमा फाइव का एचसीएफ निकालेंगे तो भी वन आएगा, एट कॉमा इलेवन का एचसीएफ निकालेंगे तो भी वन आएगा. तो कहने का मतलब ये कि जैसे ही हम दो नंबर का एचसीएफ निकालते हैं तो अगर एचसीएफ वन आता है तो वो नंबर्स क्या कहलाएगा, को प्राइम. नेक्स्ट है रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर. रैशनल नंबर की बात करें तो छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है कि रैशनल नंबर क्या होता है. तो इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन होगी नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. ये नॉर्मल डेफिनेशन होती है रैशनल नंबर की. तो अगर एग्जांपल की बात करें हम रैशनल नंबर में, तो रैशनल नंबर का एग्जांपल होगा अंडर रूट फोर. अंडर रूट फोर यानी कि जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो टू आएगा. ठीक है, ये रैशनल नंबर है क्योंकि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर का तो वो रैशनल नंबर कहलाता है. और एग्जाम्पल की बात करें तो 0.52, दिस इज द रैशनल नंबर. ये रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि पॉइंट यानी कि डेसिमल के बाद नंबर्स ना ही रिपीट हो रहे हैं ना ही आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि 52 के बाद स्टॉप हो गया है. ये क्या है, टर्मिनेटिंग है. डेसिमल के बाद क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, इसलिए ये नंबर रैशनल नंबर कहलाएगा. और एग्जाम्पल से 5/2, 3/2, दीज आर द रैशनल नंबर. नेक्स्ट है इरैशनल नंबर. इरैशनल नंबर कब होता है, वो नंबर्स, ठीक है,
वो नंबर्स जो डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिकरिंग हो, ठीक है। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इरेशनल नंबर के लिए, वो क्या है, सबसे पहली चीज़ है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब नेवर एंडिंग, कभी ख़त्म नहीं होने वाला, जैसे 2, 4, 5 सो ऑन, ठीक है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, नेवर एंडिंग यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिकरिंग होना चाहिए। रिकरिंग का मतलब कोई पैटर्न फॉलो ना करे, ठीक है, डेसिमल के बाद कोई पैटर्न फॉलो ना करे और डेसिमल के बाद जो नंबर्स है वो नेवर एंडिंग होना चाहिए यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, तो ये नंबर क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। और एग्जांपल से अंडर रूट 2, ठीक है, ये 1.4142135 समथिंग एंड सो ऑन, ठीक है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, इसलिए ये नंबर इरेशनल हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, रूट 3, रूट 5, ठीक है। सो टुडे वी विल डील विद द नंबर्स एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल इन्फिनिटी लेक्चर्स एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड माई वीडियो यू विल बी नोटिफाइड एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ गिव मी अ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।